जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो है डॉक्टर अयूब साहब अवेलेबल हैं, और डॉक्टर अयूब साहब से आज हमने दोबारा टाइम लिया हुआ है। और मैं सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हमने रिसेंटली डॉक्टर साहब के साथ बड़ी अच्छी गपशप लगाई थी, और बड़े ही बेसिक से लेके इन्होंने हमें मतलब गाइड किया था हार्ट से रिलेटेड, हमारी टंग से रिलेटेड और बाकी भी मेजर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो डॉक्टर साहब आगे हुए हैं हमारे साथ लाइन पे, तो पहले तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं सर आपको। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ब्रिगेडियर साहब को बड़ा मिस कर रहा हूँ आज के वो जी हमारे साथ सेक्शन में नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल हम उनकी कमी को महसूस करते हुए अपना ये सेशन शुरू करते हैं। मैं आज इसमें जो है वो कुछ आपको सेहत के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताना चाह रहा था। जी बिल्कुल सही है। बुनियादी बातें जो एक तो ये है कि सेहतमंद होना, एक है सेहतमंद रहना, जी जी दोनों में बड़ा फर्क है। सही एक है। आदमी सेहतमंद है तो वो सेहतमंद रहे कैसे, उसको मेंटेन कैसे करे, तो जी ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और ये कि हम जैसे हम सेहतमंद होते हैं, हम रहते हैं, तो हम उसको फिर आगे से कंटिन्यू कैसे करेंगे, कि बिल्कुल ये सही ना है। हो कि जो हम उसी ख्याल में रहे कि हम ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो और आगे कंटिन्यू ना कर सके तो फिर वो बीमार हो जाए। तो ये एक बुनियादी चीज है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए। आज हम आपको जरा कुछ इस बारे में बात बताएंगे कि बीमारी क्या चीज है बिल्कुल ठीक है। और बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। बीमारी मतलब किस चीज को कहते हैं, और ये कैसे आपको लगती है या हमें लगती है, और ये इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जी जब जी आप बीमारी से या एब्सेंस ऑफ डिजीज में आ जाएंगे तो सेहत बेहतर हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इस बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। तो वैसे तो मेरा इरादा था आज जब मैं कुछ जिगर के बारे में बात करूं, कुछ जी जी बोलने के बारे में बात करूं कि बोलते कैसे हैं, कुछ जी 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 याददाश्त के बारे में बात करूं। बिल्कुल ये ठीक है। बोलना जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। अभी हाँ जी आपके दिमाग में ख्याल आता है तो आप बोल पड़ते हैं, और बोल उसी वक्त दिमाग का पूरी कॉम्प्लेक्स मशीनरी उस काम पे लगी होती है और वो बोलने की तरफ आपको हाँ बताती है। आपने एक ही चीज उर्दू में बात करनी है, वही चीज एक सेकंड बिल्कुल में पंजाबी में बात कर सकते हैं, तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वो आप ये सारा शिफ्ट कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। तो सही ये एक है। मेरा बड़ा टॉपिक था, मैंने ये सोचा था कि इसमें बताऊं, कुछ अवेयरनेस दूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि इससे ज्यादा अहम है वो है बीमारी से बचना। वो बिल्कुल सही है। बीमारी से जब आप बचेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, आपकी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, आप बेहतर तरीके से जो है वो एक्ट कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने आज ये मौजूद सोचा है कि ये जो है बीमारी के बारे में बात की जाए। बिल्कुल अब सही है, हम ये बिल्कुल। देखेंगे कि बीमारी है क्या। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ ना सर, जैसे आपने बड़ी मजे की बात की है कि आपने दो तीन चीजें और भी सोची हुई थी, बट अभी आप टॉपिक पे आ गए कि बीमारी, तो इनशाला हम जो है ना आपको वक्तन फवक्तन थोड़ा थोड़ा जो है ना आपका टाइम लेते रहेंगे, और इनशाला हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। जरूर जरूर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ी पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला, और आप जो है वो इसको अप्रिशिएट करेंगे कि ये जी चीजें जो है वो आम हालात में कोई इसको सोचता नहीं है, इस पे तवज्जो जी नहीं दी जाती। तो बिल्कुल है। जैसे याददाश्त है, तो जी जी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, खास तौर से यंग लोगों के लिए। उसमें जो है वो अपने इम्तहान कैसे पास करें, अपने हाँ जो है जी वो हाँ बाकी जी दुनिया की चीजें जो जितनी भी हैं वो सारी उसको सारी याददाश्त पे बेस करती है, मेमोरी पे बेस करती है। जी बिल्कुल ऐसे जब जी आप मेमोरी आप किसी भी चीज को मेमोराइज कर लेते हैं तो आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, और आगे आप उसी मेमोरी को काम में लाते हुए आगे प्रमोट होते हैं, तरक्की करते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर ही वो आपकी मेमोरी नहीं है तो आप जो उस दौर में थोड़े से पीछे रह हाँ जाएंगे। जी जब अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, शार्प है, तो वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म बिल्कुल कर परफॉर्म सकेंगे। कर तो पाएंगे ये बिल्कुल मेरा एक ऐसे। बड़ा टॉपिक है, फेवरेट किस्म का टॉपिक। दूसरा, नहीं मैंने सर, आप स्टार्ट लें। आंखों के बारे में बात करनी, जी 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 आंखों के बारे में बात करनी थी, क्योंकि ये हम आंखों के इस्तेमाल से ही हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। जी ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आंखों के बारे में। जी 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 आंखें खूबसूरती का भी जरिया है, लेकिन ये कि इसके और भी बहुत सारे काम है। तो अल्लाह ताला ने जो आंखें बनाई है वो एक ही चीज में बहुत सारी चीजें डाल दी है, और यही इस चीज की खूबसूरती है कि जी आपकी आंखों से खूबसूरती भी है, आपकी आंखों से जहानत भी टपकती है,
आपकी आंखें मुस्कुराती भी हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे आपकी आंखें जो वो बहुत कुछ कह भी जाती हैं ना कहते बिल्कुल हुए भी। ऐसे ये आंखों का सब्जेक्ट जो है वो मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल ऐसे ही और है इंशाल्लाह तो हम बात करेंगे, जी, जरूर करेंगे। तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं ये बीमारी के बारे में बात करूंगा कि बीमारी है क्या। बीमारी ये है कि आप किसी भी चीज की कमी हो या ज्यादती हो तो वो बीमारी है। जी बिल्कुल कोई फर्ज करें कोई चीज आपके जिस्म में चली गई या हमारे जिस्म में चली गई, तो वो बाहर से गई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गई, तो वो बीमारी है। अच्छा, कोई चीज कम होगी तो भी वो बीमारी है, जी जी कोई चीज ज्यादा होगी तो भी बीमारी है, ये कोई चीज बीमारी कम होगी वो भी बीमारी है।